पवन सिंह से आपको कोई दुश्मनी है? काहे दुश्मन, हमारे खेत बदार जोतले है जी, कुछ उल्टा खेसारी लाल से 36 का आंकड़ा रहता था, आज मगहिया जवान उस खेसारी लाल के तारीफ करते थक नहीं रहे। ऐसा कोई बात देने से नहीं होता है कि हम लकीर खींच दिए, इनसे पहले कई एक लकीर खींचा हुआ है, उस पर पहले आप तो रेंग लीजिए। उपलब्धि की बात है तो खेसारी लाल यादव ने सही कहा एक बात कि जब भोजपुरी के लिए करेंगे तब भोजपुरी। पवन सिंह जब भोजपुरी से उठ करके बॉलीवुड में काम करने जाते हैं और वहाँ पे स्त्री 2 फिल्म में एक आई नहीं गाना है जो जिसमें श्रद्धा कपूर राजकुमार राव जी ने एक्टिंग किया है, बतौर गायक के तौर पे पवन सिंह ने गाना गाया है, तो साफ तौर पे ये लोग कह रहे हैं, उनके लोग ये कह रहे हैं कि भोजपुरी हमारे आगे जा रही है। पवन सिंह के गाने से कितना खुश हैं आप? यार देखिए, खुशी की जहाँ तक बात है तो हमारा काम है लोगों का सुनना, हर किसी का हम सुनते हैं, कोई भी इस जगह पे गाता तो हम उतना ही खुश होते हैं। अच्छा, है ना, ये हमारे घर के रिश्तेदार, हमारे घर के रिश्तेदार नहीं थे एकदम हम फूले ना समाएंगे, है ना, हवा में चलने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी गाता तो खुश होते हैं। और एक बहुत अजूबा या फिर तीर नहीं मार दिए हैं। अच्छा, इनसे पहले भी कई एक लोग आकर भोजपुरी में गाना गाए हैं और इससे पहले कई एक लोग बॉलीवुड में भी गाए हैं। अच्छा, ये पहला नहीं है कुछ। अच्छा, लेकिन अभी कहिए कि डिजिटली ज़माना है, पहले डिजिटल नहीं था, अभी जियो का दौर है, जियो का पहले दौर नहीं था, तो इसलिए लोग हवा 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 बना के रखे। लगातार पवन सिंह को आप टारगेट कर रहे थे, आप बहुत सारे वीडियो बना करके उनके लोगों के बारे में, उनके बारे में बोलते थे। नहीं, आप काटेंगे, जो खेसारी लाल यादव का है ना चमन, हम चमन का विरोध कर रहे थे। अच्छा, और चमन के हरकत से इनका विरोध हो जाता है। अच्छा, क्योंकि चमन रहता है किसके साथ, किसके साथ रहता है चमन लोग, तो उनके साथ रहते हैं लोग, तो विरोध किसका होगा? तो भैया आप चुप रहिएगा, आप गलत लोगों को संगत में रहिएगा, गलत लोगों के साथ रखिएगा आप, तो विरोध तो आपका होगा ही। आपको ऐसा नहीं लगता, आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भोजपुरी आगे जा रही है, कि भोजपुरी के कलाकार अगर हिंदी बॉलीवुड में जा करके काम कर रहे हैं और वो भी बड़े लेवल का गाना, जहाँ पे बड़े लेवल के जो सितारे होते हैं उनको यदि स्टेज पर नचवा दिया पवन सिंह ने, तो ये बड़ी बात नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। नचवा नहीं दिए, इनको नचवाया गया, इनको नचवाया गया जी। कंपनी वाला काम क्या होता है, कंपनी वाले काम क्या होता है, सो बताइए आप, नचवाना। अच्छा, नचवाया रहा है वो। अच्छा, जैसे कोई कंपनी वाला आपको हायर किया है, पैसा दिया है, उसका वीडियो कर रहे हैं आप, उसका गाना गा रहे हैं आप, तो आप कर रहे हैं, आपको नचवा रहा है, आपको, आप कौन होते हैं किसी को नचवाने वाले भाई? गौतम जी, इतनी बड़ी मिलता है इसके बदले, इतनी बड़ी उपलब्धि मिल रही है पवन सिंह को कि बॉलीवुड में जाकर के इतना बड़ा गाना कर दिए और वो गाना सेक्शन में ट्रेंड कर रहा था, यूट्यूब के सेक्शन में एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है गाना, इतनी इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? हमेशा करता है ट्रेंड, कोई नया थोड़े है, हर किसी का करता है ट्रेंड। अभी वो मघी सुपरस्टार, पता होगा आपको, आशीष यादव का गाना भी कर रहा था, तो जो अच्छे गाएंगे, अच्छे करेंगे, उसका गाना ट्रेंड करेगा। भोजपुरी में पवन सिंह ने लकीर खींचा है, इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनसे पहले कई एक लोगों ने लकीर खींच दिया है, आज तक लकीर को शायद कोई नहीं मिटा पाया जो मनोज तिवारी ने लकीर खेला है, खींचा है। सबसे कम बजट का गाना आदि मूवी ससुरा बड़ा पैसा वाला, और आज तक उतना पैसा भोजपुरी मूवी कमाया ही नहीं आज तक, अब तक। अच्छा, तो सोचिए उनका लकीर पे रहेंगे या कोई भी आने वाला रहेंगेगा, तो काह देने से नहीं होता है कि हम लकीर खींच दिए, इनसे पहले कई एक लकीर खींचा हुआ है, उस पर पहले आप तो रेंग लीजिए, तब दूसरे को रेंगवाइएगा। और कहीं ना कहीं हमें जहाँ तक पता है कि बहुत सारे कलाकार, बिहार के कलाकार बॉलीवुड में जाकर के गाना गाए हैं, बॉलीवुड में काम किए हैं, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बिहार की उपलब्धि के लिए? इसे देखिए, कलाकारों का काम होता है करना, वो अपना काम कर रहे हैं, और उपलब्धि की बात है तो खेसारी लाल यादव ने सही कहा एक बात कि जब भोजपुरी के लिए करेंगे तब भोजपुरी बढ़ेगा। हाँ, एक तरह से नाम भी होता है कि बिहार का ही वो लाडला है, बिहार का ही है, भोजपुरी का ही लाल है जो गा रहा है। अच्छा, लोग कहेगा कि कौन है पवन सिंह, तो हाँ वो भोजपुरी वाला है, वो बिहार वाला है, तो दोनों काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ भोजपुरी के लिए सोचते हैं तो भोजपुरी में भी कभी गाइए, भोजपुरी में तो बहुत बड़े लेवल लेवल के गाना दे चुके हैं, दो दो बिलियन का भी गाना दे चुके हैं। नहीं, कभी कभी आइटम सॉन्ग होता है ना, वो बॉलीवुड में रखिए ना, कि भोजपुरी का आइटम सॉन्ग बॉलीवुड में रखिए, उसका जलवा अलग रहेगा। जैसे मनोज तिवारी का भी नहीं देख रहे हैं, तहलका कैसे चल रहा है आपका वेब सीरीज में, हमारा बुझाता बबुआ डीएम हुई है, सीएम हुई है, तो इस प्रकार कुछ चीज़ें दीजिए ना। अच्छा, पूरा फील गाना देखिए क्या है वो, आई नहीं, नहीं नहीं नहीं, मनोज तिवारी जो गाए हैं वेब सीरीज में, वेब सीरीज किस भाषा में होता है, हिंदी में, हिंदी में होता है। गानवाई कोची गाए हैं भोजपुरी, भोजपुरी, एकर मजा और फ्लेवर अलग है। अच्छा, ऐसा कुछ काम करें तो
कहीं ना कहीं पवन सिंह से गाने से आप खुश नहीं है? ऐसा कोई बात नहीं है, खुशी उसी की बात नहीं है, जो चीज़ें रहता है हम लोगों तक पहुंचाते हैं और कहते हैं। इतना बड़ा बजट पवन सिंह ने लगाया, मतलब लगाया नहीं, गाया, इस गाने में बजट लगा होगा, जिससे गाने में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव जी एक्टिंग कर रहे हैं, आप इससे बड़ा लेवल क्या हो सकता है? नहीं, आप फिर मैं बोल रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इससे ऐसा नहीं कि हम नाखुश हैं। है, मैंने तो पहले ही वीडियो के जरिए कहा कि वाकई में इन्होंने बेहतर किया है। अच्छा। एक अलग लेवल, अलग जोन होता है बॉलीवुड का, है ना, बॉलीवुड इंडिया क्लास का चीज़ है, सब लोग देख रहा है, तो अच्छी बात है। अच्छा। हमें खुश और नाराज़गी की बात नहीं कि हम किसी से नाराज हो, अच्छा काम करें, हम खुश हैं बस। चलिए आखिर में, पवन सिंह खेसारी लाल में विवाद हो ही गया है, अब यूट्यूबरों को क्या करना चाहिए? आप भी एक यूट्यूबरों के उनको मजा लेना चाहिए, यूट्यूबरों को मजा लेना। हाँ बिल्कुल, जैसे ये लोग मजा लेते हैं, मजा लीजिए थोड़े इंतजार का। अच्छा। एक लोग खुद ही मूर्खता वाला काम कर रहे थे, अभी मजा लीजिए ना भाई। एक तरफ खेसारी लाल तो धमकी दे रहे हैं कि हम अपने लोगों को बोल देंगे तो समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो मजा है। लास्ट में भी सुने होंगे आप, अरे मजा लो यार, मेरा गाना हुआ है, आया हुआ है, जाके सुनो। अच्छा। स्टाइल देखिए बोलने का। अच्छा। तो हमने की वह अंदाज में मजा लेना चाहिए, तिगड़म वाला दिमाग भिड़ाइए, एक तरफ से रेलिए भी और एक तरफ से मजा भी लीजिए। मतलब आपका कहने का मतलब साफ तौर पर कि वो लोगों का गाना चल नहीं रहा था, वो लोग करे मजा लीजिए, इग्नोर कीजिए, तो झूठ मूठ कहने का फायदा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब तो यही ना हुआ कि कुछ नहीं है, ये लोग का कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ ये लोग सिर्फ अपने गाने चलाने के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं बस। बिल, ये दुनिया अब जान चुका है और जाग चुका है, हर लोग जान चुका है। अरे महाराज, कल जो गला मिल सकता है जी, चुमा चाटी कर सकता है जी, देखे ना किसी दोनों गले मिले थे, जो कह सकता है कि हमने इसलिए लड़ते थे कि हमने मजा लेते थे, तो भैया आप भी मजा लीजिए ना, कहला सीरियस ले लेते हैं, सीरियस लेके हम आपस में माँ बहन करिएगा मूर्ख बन जाते हैं। पवन सिंह से आपको कोई दुश्मनी है? कहे दुश्मन, हमारे खेत बदार जोतले है जी, कुछ उल्टा सीधा सवाल महाराज ऐसे नहीं करेंगे, गजब हाल है। पवन सिंह पे लगातार वीडियो बना रहे, ठीक है? नहीं नहीं, सुनिए पहले, आप मिले आए हैं, मिलिए, बात बताइए, इंटरव्यू लीजिए, ये दुश्मनी है और लड़ाई और झगड़ा कुछ बतिया लगता है? कैसे नहीं बतियाएंगे, आप लगातार वीडियो कर रहे हैं, पवन सिंह को अंबानी के परिवार नहीं मिल दिया, अच्छा ना लगा से ना बोलेंगे, हम स्वतंत्र हैं। जिस खेसारी लाल से 36 का आंकड़ा रहता था, आज मगहिया जवान उस खेसारी लाल के तारीफ करते थक नहीं रहे। ऐसा कोई बात नहीं है, अच्छे चीज़ों का बुराई करते हैं, और अभी लगातार पहले भी आज भी और आजीवन बुराई करेंगे। अच्छा। बुरा चीज़ों को बुरा कहेंगे। अच्छा। सही चीज़ों को सही कहेंगे। अभी खेसारी लाल यादव का भी एक बेबहियात गाना आया है बोलबम का, उसके बारे में इन लोगों के विवाद में हम नहीं कुछ कह पाए, वो बुरा था वो भी बुरा कहेंगे, ये कौन बड़ी बात है। चलिए बाकी बात, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और ये लोग जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।